सड़क हादसे की कवर्धा की बात कर रहे हैं, जहां पर आज दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और इसमें 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें 18 तो महिलाएं हैं। पिकअप वाहन बताया जाता है, पिकअप वाहन में ये लोग सवार थे और पिकअप वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से ये दर्दनाक हादसा पेश आया। जानकारी जो मिली उसके मुताबिक पिकअप में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। पिकअप में सवार लोग तेंदुपत्ता तोड़कर वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा पेश आया है। अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख भी व्यक्त किया। कई मजदूरों की मौत हो गई, 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं, इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। रफ्तार, दरअसल बताया गया कि रफ्तार काल बन गई और 30 फीट गहरी खाई में जो पिकअप वाहन है, जो कि 30 मजदूरों से लदा हुआ था, वैसे पिकअप वाहन जो होता है इसमें सवारी नहीं की जाती है, लेकिन ये पहला मामला भी नहीं है, इसके पहले हमने देखा है। और केवल ये छत्तीसगढ़ का ही मामला नहीं है, पूरे देश भर में आप घूम लीजिए, ग्रामीण अंचलों में इसी तरीके से आवागमन के साधन लोगों के पास, लोग उसको आवागमन का साधन बना लेते हैं, जबकि नियमों में ऐसा नहीं है, लेकिन इस पर रोक नहीं लगती और ऐसे जब हादसे होते हैं तो कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कवर्धा हादसे में घायलों से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मुलाकात की और अस्पताल जाकर उनका हाल जाना। डॉक्टर्स को आवश्यक निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए। धमरहा गांव के हैं, सभी कुलतूर क्षेत्र के हैं और ये मैंने नियमित आना जाना करते थे गाड़ी से, गांव से जाकर के तेंदुपत्ता तोड़ करके वापस आते हैं। संग्राहक परिवार है, इसमें 13 कार्डधारी हैं, कुल 13 कार्ड हैं सभी लोगों के बीच और लगभग 15 की संख्या, 16 की संख्या ऐसी है। दुखद है, बहुत दुखद है, सब लोग तो लगे हैं, जल्द से जल्द सारी प्रक्रिया पूरी। वहीं बात मनेंद्रगढ़ की करेंगे। मोटर गैराज में भीषण आग लग गई थी और आग लगने से अफरा तफरी भी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल में कर लिया, काबू में कर लिया। आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया, ऐसी आशंका जताई गई। माइनगढ़ के प्रतिष्ठ व्यापारी है, जो काफ़ी लंबे से समय से यहाँ पे गेरी बनी हुई है, उसके यहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लगाना बताया जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है अभी तक। यहाँ जैसे आग शुरू हुई है मुझे फ़ोन आया, तो मैं तत्काल जो है ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो मैं तत्काल यहाँ घटना स्थल पर पहुँचा। देखा उस वक्त बहुत तेज़ जो है आग की लपटें उठ रही थी, फायर ब्रिगेड उस वक्त तक नहीं पहुँच पाई थी और त्वरित जैसी जानकारी सब फायर ब्रिगेड को लगी है, त्वरित फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंची है और पूरे संघर्ष के बाद आग पर नियंत्रण पा लिया। जशपुर के पथल गांव में ट्रांसफॉर्मर में भीषण आग लगी और आग लगने से शहर की बिजली ही गुल हो गई। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग को काबू में किया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पागल है, बिजली में पानी डालने का, बिजली में बस्तर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बस्तर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग के 5 सदस्यों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 20 बाइक बरामद की गई है। इसके अलावा 15 लाख रुपए कीमत की 20 बाइक बरामद की गई और कुछ सामान भी मिला है। एसपी ने गैंग को पकड़ने वाले पुलिस कर्मचारियों को 5,000 रुपए का इनाम भी दिया। सीसीटीवी कैमरे की मदद से और जो हमारा साइबर सेल है उसके इनपुट की मदद से कुछ लोगों को संदेह के दायरे में रखा हुआ था। इनमें से एक अनाश खान को हम लोगों ने दंतेवाड़ा से हिरासत में लिया और उससे पूछताछ जब की तो उसने कबूल किया कि वो अलग अलग जगह से बाइक चोरी करता है। इनसे पूछताछ करने में और भी लोगों के नाम आए, जिसमें इसका बड़ा भाई समीर खान का भी नाम आया और साथ में और 3 अन्य लोगों के नाम आए। इन 5 को हम लोगों ने हिरासत में लिया और अलग अलग
थाना क्षेत्रों की जो बाइक्स हैं वो हम लोगों ने 20 बाइक्स अभी हम लोगों ने बरामद की है जो 15 लाख रुपए कीमती हैं, और हम लोगों को कुछ और लोगों के नाम भी मिले हैं जो कि फरार हो गए हैं, उनके ऊपर भी निगाह रखी जा रही है, उनसे भी हम लोगों को कुछ और बाइक्स रिकवर करने की उम्मीद है। बिलासपुर में तेज रफ्तार बाइक पेड़ से जा टकराई और हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया है। घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कोनी थाना क्षेत्र की एक तो आज हादसों का दिन साबित हुआ है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि एक तरफ कवर्धा में हादसा हुआ, बिलासपुर से खबर आपको दिखाई, रायपुर में भीषण सड़क हादसा पेश आया और नाले में ऑटो पलट गया, इसमें एक बच्ची की मौत हो गई जबकि 5 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, 2 लोगों की हालत इसमें भी गंभीर बनी हुई है। निर्माणाधीन सड़क पर नाले में ये जाकर पलट गया, लोडिंग ऑटो बताया जाता है, इसमें भी लोग सवारी कर रहे थे। रायपुर के पचीड़ा में हादसा हुआ, थाना विधानसभा इलाके में ये दुर्घटना पेश आई है। तो छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे जो हैं इन पर लगाम नहीं लग पा रही है। हम क्यों ये बात बार बार कहते हैं, क्योंकि बिलासपुर में फिर से भीषण सड़क हादसा पेश आया। 3 जगहों की खबरें तो हमने आपको बता दी, फिर से बिलासपुर की खबर बता रहे हैं। तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, टक्कर के बाद कार पलट गई, कार में सवार युवक और युवती घायल हुए हैं, ई रिक्शा में सवार 3 लोगों को भी चोटें आई हैं। कुछ और खबरों की बात करते हैं। बलरामपुर में फांसी के फंदे पर नाबालिग प्रेमी जोड़ा झूल गया, महानदी के किनारे पेड़ पर लटकती दोनों की लाश बरामद की गई है। शनिवार से ये दोनों लापता बताए जा रहे थे और दोनों धंधापुर के डुमरपारा के रहने वाले बताए गए। रायपुर में छात्रों ने प्रदर्शन किया है, रविशंकर विश्वविद्यालय में छात्रों का ये प्रदर्शन देखने को मिला। बीकॉम परीक्षा परिणाम से ये छात्र काफी नाराज हैं। ये छात्र कह रहे हैं कि कई सारे ऐसे छात्र हैं जिनको 0 अंक मिले हैं और इसी नाराजगी को जताने के लिए ये प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नजर आए। इधर मनेन्द्रगढ़ में भालू का आतंक देखने को मिला है, जहां पर भालू ने एक ग्रामीण पर ही हमला कर दिया। दरअसल ये ग्रामीण तेंदुपत्ता को तोड़ने के लिए जंगल में गए हुए थे और यहां पर एक भालू ने इन पर हमला कर दिया। बाद में आवाज़ लगाई, चीख पुकार मची और फिर कुछ और ग्रामीण जो हैं वो मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से इसकी जान बच पाई। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि मौसम लगातार छत्तीसगढ़ में करवट ले रहा है, पल पल बदलता हुआ जा रहा है। कभी तेज गर्मी पड़ती है तो कभी बारिश शुरू हो जाती है, कभी ओले गिरने लग जाते हैं। मौसम विभाग की तरफ से अब फिर से अलर्ट जारी किया गया, कई जिलों में आंधी की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है और येलो कैटेगरी का यह अलर्ट है। अगले 3 घंटों के लिए ये चेतावनी जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई थी। और वहीं मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई उसका असर भी हुआ, क्योंकि बलरामपुर में मौसम बदल गया। यहां पर तेज गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई है और इससे मौसम जो है सुहाना हो गया, तेज रफ्तार से हवा भी चली है, लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। और बलरामपुर में आंधी तूफान का असर दिखाई दिया, SDM ऑफिस का शेड ही गिर गया, बाल बाल अधिकारी और कर्मचारी बचे हैं, सरकारी गाड़ी जरूर क्षतिग्रस्त इसमें हो गई, तस्वीर दिखा रहा हूं।